The Secrets of Life with Subhas Agam. जिस चीज को मना किया जाए उस तरफ आकर्षण ज्यादा हो जाता है right. और अभी तक साधु महात्मा सारे सिर्फ मना ही करते रहे, सेक्स को पाप समझते रहे। उन बेवकूफों को ये तक नहीं ख्याल है कि सेक्स न होता तो पैदा न हुए होते वो, न वो न उनके कृष्ण बुद्ध महावीर। बिल्कुल, तो वो इतना ही पवित्र है जितना की परमात्मा पवित्र है। अब अगर सेक्स पाप है तो सबसे बड़ा पापी परमात्मा है जिसने बनाया। तो पहले तो आदमी को स्वीकार होना चाहिए जीवन का, स्वीकार नेचुरल है, हमने नहीं सेक्स बनाया, हमें नहीं सेक्स की भावना होती, हमें क्या है इसके तो पूछो, सब उसका विधि है, उसका किया हुआ है कि जगत किसी से चल रहा है। तो इसलिए सेक्स को सहज स्वीकार करना सिखाया उसको, नो डिनायल, तब जाके आप एक दिन उसके ऊपर उठते हैं कि ओशो की ये विधि थी। अच्छा, उनको मालूम था समय मेरा कम है, मेरे से जरूरी है ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। Right. इसके लिए उन्होंने आश्रय कार खड़ी कर दी तो सारे पश्चिमी जगत में तहलका मच गया कि रॉयल्टी थ्री आश्रय एक आदमी के पास है, भाई क्या करता है, कुछ नहीं तो लेक्चर देता है, क्या लेक्चर देता है भाई, सुन लो। अब सुने जो पात्र थे पास गए, ध्यान में जुट गए, सन्यासी हो गए, जो नहीं थे वो बाहर अपना ओशो के जो ओशो की भाषा में अनपेड एम्प्लॉय की तरह काम करते रहे, दुष्प्रचार करते रहे। इट वॉज ओनली डिवाइस उसको को 93 क्या दो कार काफी थी, एक कार काफी थी, एक कार में बैठ के जा सकते थे। तो 93 राष्ट्राय कार का मतलब यही था कि सारी दुनिया में पश्चिमी जगत में तहलका मच गया। 93 तो में जो पात्र थे वो आए, जो पात्र थे बाहर रहे। वो शीला में कुछ खूबियां थी जी, वो उन खूबियों का सदुपयोग किया उसो ने जी। लेकिन उसको जब उसको मौन थे तो उसको ये भ्रम हो, तो सारी दुनिया का टेंशन सीला सीला सीला, सन्यासी भी प्रेमी भी और बाहर का लोग भी सब सीला 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 का इंटरव्यू सीला, मतलब सीला को ये भ्रम हो गया कि ओशो के बाद मैं जैसे लोमड़ी समझते है फॉक्स, सर्दियों में लोमड़ी कहीं मैदान में बैठी हो तो चार मही लंबी छाया दिखती है उसकी। हाँ। लोमड़ी समझती है मैं तो इतनी लंबी हूँ, मैं तो ऊंट का नाश्ता कर सकती हूँ, हाथी का नाश्ता कर सकती हूँ। अच्छा, धोखे में है, ऊंट के सामने जाएगी, ऊंट मारेगा लात तो गिर जाएगी। तो उसको भ्रम हो गया उसको सीला को जी। कुछ लक्षण होते हैं लाइटिंग, ऐसा नहीं कि कोई कहते मैं लाइटिंग जनवन, जैसे जैसे तो, जैसे कि एक तो आप उसके पास जाओ तो आपको यही नहीं लगेगा कि आपसे वो बड़ा है। अच्छा, आप छोटे, उससे ये पता ही नहीं चलेगा। आप जैसे पानी ट्यूब में भरिए पानी बराबर आ जाए दोनों तरफ जी, तो आप उस जगह पहुंच जाते हैं, आपको वो कभी छोटा देखा ही नहीं सकता है। लेकिन अच्छा, एक तो यही, और ये सब दूसरे को छोटे ही देखते हैं, ऊंचे उसी तरह ऊंचाई से बात करते हैं। यस, एक ही लाइन में बता, बहुत से लक्षण होते हैं, पर उसके पास बैठो, उसके पास बैठना आनंद है। वो बोले तो न बोले तो उसके चेहरे पे ही वो नूर रहता है, उसको दिखाई पड़ना चाहिए, नहीं देख सकते लोग। अब नए नए आए बेचारे तो भटक रहे, कर रहे ठीक, कहीं भी आदमी लालची है, जहां भी मैं कहता हूँ कहीं ना जाए, सिर्फ एक प्रश्न अपने भीतर जगाए कि मैं कौन हूँ, उसी के साथ अपने को कुर्बान करे, इसी के अंदर जहाँ है वही उसको घटना घटेगी, जहाँ है वही घटेगी, बिना किसी गुरु गुरु के आए घटेगी। अगर सारी दुनिया एक हो जाए तो 70% वाला बजट रिलीज हो जाएगा, हम उसको अच्छे उसमें यूज कर सकते हैं। और जैसे आदमी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर के पास जाता है, 10-15-20 साल की उम्र बढ़ जाती है उसकी, दवा से न दवा हुई ऑपरेशन से, तो जमीन का और मनुष्य का भी उम्र थोड़ा बढ़ाया जा सकता है अगर आदमी ओशो की सुने तो। वो है वन ग्लोबल गवर्नमेंट, एक विश्व सरकार। ओशो ने 76 में या 75 में दरिया का है शब्द निर्वाणा में बोलते हुए कहा था कि भारत पहला देश होना चाहिए जो अपनी भूमि को राष्ट्र की भूमि घोषित कर दे, तो दुनिया के सारे लोग फॉलो करेंगे, ये फिर धर्मगुरु बन जाएगा सबका। और जो भी देश पहले घोषित कर देगा वो आगे हो जाएगा, पीछे सबको जाना पड़ेगा। अगर दुनिया को बचना है तो, नहीं बचना है तो कोई नहीं करेगा, और ग्लोबल सुसाइड पक्का है, होता है। हर
हरबंस राय बच्चन, डॉक्टर अमिताभ बच्चन के पिताजी मेरे मित्र थे, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में किताबों में जिक्र किया है, हमारा भी उषो का भी। तो उन्होंने तो कहा हर कॉलेज में ये टेक्स्ट बुक होना चाहिए और शादियों में लोगों को किताब गिफ्ट करना चाहिए जी, समझे कि नहीं। अमृता प्रीतम ने कहा कि ये तो लाजवाब किताब है जी। तो जो समझ सकते थे वो ये समझे, जो नहीं समझ सकते वो तो कहते ही रहेंगे। स्वामी जी, कैन यू टेल अ बिट अबाउट द टेक ऑफ ओशो ऑन सेक्स, सेक्स के बारे में वो क्या बोलते थे जो लोगों ने इतना मिसअंडरस्टैंड कर लिया सेक्स के बारे में? भाई देखिए, आदमी जो है अभी तक 24 घंटे खोपड़ी में सेक्स चलता रहता है, क्यों चलता रहता है? बिल्कुल, क्यों? कोई भी चीज जो मना कर दो जी, एक छोटे से बच्चे को, 10 साल के बच्चा है, उसको कह दो वहां मत जाना, तो आप उधर हटे हो, बच्चा उधर जाना चाहेगा कि क्या है, हम मना कर रहे हैं जी। जिस चीज को मना किया जाए उस तरह आकर्षण ज्यादा हो जाता है, राइट। और अभी तक साधु महात्मा सारे सिर्फ मना ही करते रहे, सेक्स को पाप समझते रहे, उन बेवकूफों को ये तक नहीं ख्याल है कि सेक्स न होता तो पैदा न हुए होते वो, न वो न उनके कृष्ण बुद्ध महावीर। बिल्कुल, तो वो इतना ही पवित्र है जितना कि परमात्मा पवित्र है। अब अगर सेक्स पाप है तो सबसे बड़ा पापी परमात्मा है जिसने बनाया, तो पहले तो आदमी को स्वीकार होना चाहिए जीवन का, स्वीकार नेचुरल है, हमने नहीं सेक्स बनाया, हमें नहीं सेक्स की भावना होती, हमें क्या है इसके तो कहने पूछो, सब उसका विधि है, उसका किया हुआ है कि जगत किसी से चल रहा है। तो इसलिए सेक्स को सहज स्वीकार करना सिखाया उसको, नो डिनायल, तब जाके आप एक दिन उसके ऊपर उठते हैं। अगर मना में मना करते रहे कभी आपका आकर्षण बंद, वही अटके रह जाएंगे वही सेक्स पे ही। Right. तो उस किताब का नाम था संभोग से समाधि की ओर, और अखबार वालों ने प्रचार किया संभोग से समाधि तक, संभोग से समाधि तक नहीं था नाम, संभोग से समाधि की ओर, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। तो जब स्वीकार करके जीतते हैं आप तो बहुत गहरा टोटल होते हैं, जब आप स्वीकार नहीं करके उसको गलत समझते हैं, निंदा समझते हैं, तो सेक्स में जाते हैं तो आधा आप जाते हैं, आधा मन कहता रहता है कुछ पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ ठीक, कुछ गंदा काम कर रहे हैं, तो टोटल नहीं होती। व्हेन यू एक्सेप्ट इट एज गिफ्ट ऑफ गॉड, देन यू आर टोटल इन सेक्स, एंड इफ यू आर टोटल इन सेक्स देन यू गेट आउट ऑफ इट, बाहर उठते हैं आप, ऊपर उठते हैं, राइट। नहीं तो जिंदगी भर उसी में अटके रहते हैं, लटके रहते हैं। स्वामी जी, सो लेट्स चेंज द क्वेश्चन नाउ, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द रोल्स रॉयस कार ऑफ ओशो। आपने अभी मुझे मुझसे ऑफलाइन में भी थोड़ा बात हुई थी कार के बारे में, कि ओशो के रोल्स रॉयस कार के संबंध में बहुत लोगों ने ओशो को फिर मिसअंडरस्टैंड कर लिया। रोल्स रॉयस कार भी जो है, हाँ, अभी तक कोई शिष्य को नहीं जानता जिसने सही जवाब उसका दिया हो, राइट, रोल्स रॉयस का। यहाँ तक कि आनंदो को मैंने सुना, आनंदो को पूछा तो आनंदो पहले तो हंस दी, फिर बोली कि ओशो कहते थे कि हमें बेस्ट चीजें पसंद है। अरे बेस्ट के बारे में पूछे नहीं रहा है कि रोल्स रॉयस क्यों है, वो तो पूछ रहा है 93 क्यों है, क्वालिटी के बारे में पूछ रहा है। तो आप बताइए स्वामी जी, आपका टेक क्या है इसमें? आई एम टेलिंग यू, यस, कि ओशो की ये विधि थी। अच्छा, उनको मालूम था समय मेरा कम है, मैसेज जरूरी है, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए उन्होंने रोल्स रॉयस कार खड़ी कर दी। तो सारे पश्चिमी जगत में तहलका मच गया कि 93 रोल्स रॉयस एक आदमी के पास है, भाई क्या करता है, कुछ नहीं तो लेक्चर देता है, क्या लेक्चर देता है भाई, तो सुन लो। अब सुने जो पात्र थे पास में आए, ध्यान में जुट गए, सन्यासी हो गए, जो नहीं थे वो बाहर अपना ओशो के, जो ओशो की भाषा में अनपेड एम्प्लॉय की तरह काम करते रहे, दुष्प्रचार करते रहे। इट वॉज ओनली ए डिवाइस, ओशो को 93 क्या, दो कार काफी थी, एक कार काफी थी, एक कार में बैठ के जा सकते थे। तो 93 रोल्स रॉयस कार का मतलब यही था कि सारी दुनिया में पश्चिमी जगत में तहलका मच गया, 93 उनमें जो पात्र थे वो आए, जो पात्र थे वो बाहर रहे, सीधा बात। और बाकी पत्रकारों से जवाब ओशो उल्टा सीधा भी देते थे, बहुत टीज करते थे, छेड़ते थे। एक पत्रकार ने पूछा था 93 रोल्स रॉयस कार आपके पास, बोले अभी 365 होगी। अच्छा, इस तरह जवाब देते थे, लेकिन मतलब उनका हो गया तो
प्रचार करने के लिए एक माध्यम था, वो भी विधि थी एक। यस अच्छा स्वामी जी, जैसे जो अमेरिका में ओरेगन में जो रजनीशपुरम शहर जो बसाया था ओशो ने, ओशो के सन्यासी ने जो शहर बनाया था, जो वो पूरा वर्ल्ड में उतना अच्छा शहर कहीं पर नहीं था, जहाँ लोग हंसते थे, खेलते थे, ध्यान करते थे, मस्ती में रहते थे, तो फिर द वंडरफुल सिटी इन द वर्ल्ड एंड कोलैप्स्ड इन नो टाइम, एंड देन एट अ टाइम ओशो टोल्ड दैट शीला हिज सेक्रेटरी वॉज नॉट डूइंग द राइट थिंग। तो ये प्रश्न मन में आता है, ओशो जैसे सद्गुरु भी लोग चुनने में क्या कहें, मिस कर देते हैं, गलत लोगों को चूज करते हैं, क्या व्हाट वाज रॉन्ग देयर? हर व्यक्ति के भीतर जी कुछ न कुछ स्पेशलिटी है, राइट तो उस स्पेशलिटी का ओशो सदुपयोग करते थे, राइट जैसे मेरे भीतर लेखक छिपा था, ओशो ने उसको उभारा जी, और हमसे दो ही काम लिया, लिखने का और गपशप चल रही, मुलाकात चल रही, कभी गपशप का मतलब नहीं बताया क्या मेरा आशय है और ना मैंने पूछने की जरूरत समझी, और कोई टॉपिक ही नहीं था बोलने का मेरे पास जी। तो मतलब ये वहाँ शहर जो बसाया था रजनीशपुरम जी, तो वो शीला में कुछ खूबियां थी जी, वो उन खूबियों का सदुपयोग किया ओशो ने जी, लेकिन उसको जब ओशो मौन थे तो उसको ये भ्रम हो, तो सारी दुनिया का टेंशन शीला शीला शीला, सन्यासी भी प्रेमी भी और बाहर का लोग भी सब शीला 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 का इंटरव्यू, शीला मतलब शीला को भ्रम हो गया कि ओशो के बाद मैं जैसे लोमड़ी समझते हैं फॉक्स, सर्दियों में लोमड़ी कहीं मैदान में बैठी हो तो चार मील लंबी छाया दिखती है उसकी, हाँ। लोमड़ी समझती है मैं तो इतनी लंबी हूँ, मैं तो ऊंट का नाश्ता कर सकती हूँ, हाथी का नाश्ता कर सकती हूँ। अच्छा तो धोखे में है, ऊंट के सामने जाएगी, ऊंट मारेगा लात तो गिर जाएगी। तो उसको भ्रम हो गया उसको शीला को जी, और तो ओशो भी जब समझ में आया कि ज्यादा गड़बड़ कर रही है तो ओशो ने अच्छा उसने बहानेबाजी कहे कि जुखाम है, मैं बाहर से आए यूरोप कंट्री से, वो कहे कि जुखाम है, तो कोई जुखाम वाला वहाँ लेक्चर में भी नहीं जाने का मना था, ओशो में भी जाने का तो सवाल ही पैदा होता तो जा ही ना, तो ओशो ने फिर उसके घर पे ही, उसके घर पे हाल था वहां पे प्रेस वार्ता करना शुरू कर दिया शाम जी, हर शाम को। तो वी डिडंट हैव मच टाइम, सो आपकी बात से ही हमें ये पता चला कि ओशो जो भी सन्यासी हैं उनका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनको यूज करके गुरु की काम के लिए, ओशो के मतलब सन्यासियों के काम के लिए प्रयोग करते थे, तो इसी वजह से चाहे वो रोल्स रॉयस कार हो, चाहे कोई गलत आदमी भी हो, उसको प्रयोग करके कुछ अच्छा करना चाहते थे। ओशो कभी गलत आदमी, सही आदमी, हर आदमी जो आया उसको स्वीकार किया जी, कोई सही आदमी के लिए इंतजार करते तो सही आदमी मिलते ही नहीं, राइट, जो भी आया तो वहाँ के सीखता था और उसके भीतर जो गुण है वो उभर के आता था और उसका सदुपयोग होता था, लेकिन अब आदमी का मन अगर मन में तो जी रहा है स्वामी जी, मन अगर बदल। ओशो ने एक बार एक चिट्ठी भेजा और ये कह दिया कि पुणे में रहने वाले जो ये लोग हैं ये बुद्ध पुरुष हो गए हैं, तो ये क्या था? ओशो ने कहा वो बहुत कुछ हुआ भी लोगों को जी, बहुत कुछ हुआ होता रहा, हमारा भी नाम था एनलाइटन की लिस्ट में। अच्छा और कम से कम ये समझिए कि 84 में घंटे डिक्लेयर हुआ था मई में जी, और 85 में मैं अमेरिका गया था जुलाई में अगस्त में जी, तो वहां भी हमसे तीसरे चौथे दिन पूछा जाता था कि हाउ इज योर बॉडी नाउ जी, मैं कहता था बेटर है, तो साल डेढ़ साल तक बहुत कुछ घटित हुआ जी, शरीर पे मन पे आत्मा पे होता रहा लगातार, कई लोगों को नहीं भी हुआ, कई लोगों को और ज्यादा हुआ होगा, किसी को कुछ नहीं हुआ, विरोध करना हो जाए पर रोने लगा भगवान हम इलाइटेड नहीं, भगवान हम इलाइटेड नहीं है, कि सिंपली मना ही कर दिया, उसने द्वार ही बंद कर दिया। अच्छा तो ये तो कहा था उसने, तो ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है, बहुत से लोग बहुत कुछ हुआ है। अच्छा
को नहीं हुआ, इट वॉज ऑल्सो विधि थी ओशो, तो उसमें ओशो देखो सदगुरु जब एक तीर चलाता है ना तो एक जगह निशाना नहीं, तमाम हजारों जगह निशाना पहुंचता है वो जी। तो ये जो घोषणा किया तो ये, हाँ, ये घोषणा का निशाना कहाँ पर था? शीला का नाम तो था नहीं लाइटन में। अच्छा, एक तो उनका भ्रम खत्म हुआ कि मैं उसो के बाद मैं ही वो होंगी, तो शीला के भीतर तहलका भी मचा इससे, और लोगों को कुछ हुआ जिसको हो सकता था, कई लोगों को नहीं हुआ। कहीं फिर ओशो ने दूसरा बार दूसरा लेटर भेज के कहा कि मैं मजाक कर रहा था, कोई भी इनलाइटन नहीं है। लेटर नहीं भेजते थे, लेक्चर में बोलते थे। अच्छा, वो भी लेक्चर में बोला था, मीटिंग हुई थी। अच्छा, और ये लेक्चर में बोला 6 महीने बाद, काफी दिन तक इस पे क्वेश्चन होते रहे जी। तो लेकिन उसके बाद ये खत्म हो गया टॉपिक जी। फिर करीब 6 महीने 5-6 महीने बाद किसी ने फिर इसी में छेड़ा पूछा। हाँ। तो ओशो के वर्ड में रिपीट कर रहा हूँ अंग्रेजी में प्रारंभ के शब्द, ठीक है। उन्होंने कहा कि व्हेन आई डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ इनलाइटेड वंस, फ्यू नेम्स आई डिक्लेयर फॉर जोक आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल आई डिक्लेयर द नेम ऑफ शिवा, ही वॉज इन कंपटीशन विद तीर्था, राइट। तो आई declared his name for two things. Shiva has left me, he was talking against me, he has given up sannyas also, right. So first thing he will do, he will immediately write me beloved Bhagwan. Uh-huh. He is working against me now, he has given up sannyas, but he will start immediately, he will write me beloved Bhagwan. And second thing, he will send letter to Tirtha that you see, you are not enlightened and I am enlightened now, Bhagwan declared me. And the same thing happened. Osho is telling in the letter, the same thing happened. He sent me beloved Bhagwan, and he sent a letter to Tirtha, mail to Tirtha that, see, you are left behind and I am declared enlightened by Bhagwan. Oh, and then Osho says, and not for Shiva only, all of you have to understand that whatever I do or I say is a device. एक अर्थ में है भी जी, बाकी दुनिया के लोगों से समझ इतना अलग हो गई है ओशो के लोगों की, जिन्होंने उनकी 4-6 किताबें भी पढ़ लिया, उनका जीवन ही बदल गया एक अर्थ में। दुनिया में कोई बड़े से बड़ा विद्वान आदमी उस तरह की बातें नहीं करता जो ओशो का 4-6 किताब पढ़ के भी आदमी तो ओशो के जगत में। ओशो के जाने के बाद जब ओशो जा रहे थे तो ओशो ने एक कोर ग्रुप क्रिएट किया था, तो और उसके बाद ओशो चले गए और पुणे में जो भी आज चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो सारा दुनिया को पता है। और ओशो नाम पर भी कॉपीराइट का जो एक काम हो रहा है कि वो कोई और लोग कॉपीराइट ओशो नाम प्रयोग नहीं कर सकता पुना आश्रम के अलावा, और ये सब बात भी हो रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे स्वामी जी कि ओशो एक गुरु थे? मैं तो पश्चिमी लोगों को सलाम करता हूँ जी, और पूरब के लोगों में हिंदुस्तान के 3 लोगों ने हमें मारने की धमकी दी है जी। अच्छा, क्योंकि हिंदुस्तानियों के खिलाफ बोलता हूँ, ज्यादा लोगों ने वहां रह के चोरियां की है, बेईमानियां की है, उस लोग के साथ गद्दारी की है जी, समझे कि नहीं। किसका नाम लीजिए, किसको छोड़िए, पहले नाम भी ले लेता था लेकिन अब नहीं नाम लेता। लेकिन पश्चिमी लोग, पश्चिम के जिन लोगों को कोई नहीं जानता, मामूली आदमी कहीं काम कर रहा है, मैंने देखा वो इतना सिंसियरली काम करता है, इतना सिंसियर है कि वो सिंसियरिटी में हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे सन्यासी में नहीं थी। तो आई रिस्पेक्ट देम, दे डिजर्व। ओशो ने जो इनर सर्किल बनाया, जयस को चेयरमैन बनाया, कनाडा का है, वाइस चेयरमैन बनाया डॉक्टर अमितो को, इंग्लैंड का है जी, सेक्रेटरी बनाया आनंदो को, ऑस्ट्रेलिया की है, इंडिया के तो किसी को नहीं बनाया जी, वहां जो थे जी, क्यों नहीं बनाया? ओशो का दिमाग खराब था, या तो ओशो गलत थे या तो ये लोग गलत है जिनको आपत्ति है। मैं तो जयेश अकेला आदमी है जिसपे वो छवि देखता हूँ, ओशो जयेश अकेला व्यक्ति है। अच्छा, जयेश आदमी अकेला है जिसमें हमें वैसा ही होश दिखाई पड़ता है, वैसा ही प्रेम दिखाई पड़ता है, वो अनुपस्थित रहता है, और उसको कहते हैं कि उसको मार डाला उसको।
उसको हत्यारा समझते हैं। अच्छा तो हत्यारा, अरे जिस आदमी ने साथ में विश्व यात्रा करवाई, हथकड़ी लगी उसको, मार दिया जाएगा, कहां वही मार दिया जाता तो खत्म हो जाता। यहाँ तो यहाँ बेवकूफों ने हिंदुस्तान में एक मुतक नहीं निकाला, एक विरोध प्रदर्शन नहीं किया, प्रोटेस्ट नहीं किया एम्बेसी के सामने जाके, हमारे बार बार कहने के बावजूद कि मेरी कोई चेयर नहीं है। बिना चेयर वाले की कौन पूछता है? चेयर का मतलब आप संपादक है तो चेयर पे है, या आश्रम में रहे 20 साल तब आप चेयर में है। अब हम तो फालतू फन में रहे, इससे आगे बात की होमलेस तो हमारी कौन मानता है? बड़े-बड़े बैठा दी स्वामी जी। तो अच्छा 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 तो नहीं किया, हथकड़ी लगी उनको, गए सब कराए और उन्हीं को गालियां बक रहे हैं और रह गया। देखिए इतनी और बड़ी बारीक बता रहा हूँ, दुनिया में कोई दूसरा नहीं बताएगा आपको जी, उस सन्यासियों में दूसरा कोई नहीं बताया गई। अच्छा ये इनर सर्किल वाले भी नहीं बता पाए जो बता रहा हूँ। जिस वसीयत को ये गलत कह रहे हैं, राइट, सिग्नेचर नकली है, अगर नकली साबित हो जाए तो तब भी मैं कहूंगा कि वो लोग सही है या लोग गलत है। अच्छा। इस दुनिया में जहाँ सारे लोग गलत हो वहाँ उसो जैसे को आके भी कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो रही नहीं सकते एक दिन। ठीक। एक दिन जिंदा नहीं रहेंगे लोग। We have crossed the limit of time, so I don't have much time. So I need to stop you because we don't have much time. Sorry for that. Okay. But Swamiji, I want to ask one thing. जब ओशो के जाने के बाद ओशो के जो सन्यासी थे वो दूर दिगंत तक जाके कोई ब्राजील में जाके कोई इसराइल में कोई इटली में कोई अमेरिका में जहाँ जहाँ पर भी बहुत से आश्रम खुले, नेपाल में भी ओशो तपोवन है और भी आश्रम ओशो धारा के आश्रम खुले हुए हैं, भारत में भी बहुत आश्रम खुले, तो ओशो के सन्यासियों ने बहुत ही आश्रम खोला और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। नेपाल में तो ओशो इतने रंगे हुए हैं कि नेपाली लोग जहाँ जाइए वहाँ पर आप ओशो 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 ही देखेंगे। तो ओशो इज एवरीवेयर टूडे, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। एंड नेपाल में तो मतलब गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर भी सब लोग ओशो को पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो नाउ टेल मी, ओशो जगत में बहुत से ऐसे ओशो सन्यासी स्वामी जी हैं जो ओशो को ओशो का माला दीक्षा देते हैं, संन्यास देते हैं आज नया हम जैसे युवाओं को, और ये टैबू भी है कि कोई कहता है कि हाँ फला स्वामी जी इनलाइटमेंट हो गए हैं, फला आदमी फला स्वामी जी इनलाइटमेंट नहीं है, कोई ऐसा कहता है, कोई अपने आप को ही कहते हैं, जैसे सिद्धार्थ ओशो सिद्धार्थ औलिया स्वामी जी हैं वो अपने आप को बुद्ध समझते हैं, बुद्ध कहते हैं, तो ऐसा है कि बहुत से स्वामी जी हैं जो वो अपने आप को ही इनलाइटमेंट घोषणा भी कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? भाई हमें न, मैं सिद्धार्थ को भी जानता हूँ बहुत नजदीक से जी, शैलेन को भी जानता हूँ बहुत नजदीक से जी, प्रिया को भी जानता हूँ बहुत नजदीक से, हमें इनलाइटेड तो कोई नहीं दिखते तीनों में जी। लेकिन शैलेन जो है काफी सही आदमी है। अच्छा, अच्छा। शैलेन के अलावा तो दोनों सही आदमी भी नहीं। अच्छा। शैलेन काफी सही व्यक्ति है, इनलाइटेड न हो तब भी उनसे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं और इनलाइटेड जैसा मान सकते हैं है या नहीं है फिर भी समझदार आदमी। क्रिया वगैरह तो बिल्कुल बकवास है और जितने भी है हमें कोई नहीं दिखते। अब अशोक भारती जी स्वामी जी स्वामी जी लेट मी टेल यू वन आस्क यू वन थिंग, ओशो सिद्धार्थ जी ने कहा कि मैं बुद्ध हो गया हूँ, मैं ज्ञानी हो गया हूँ और आपको भी मैं वो एक्सपीरियंस करा सकता हूँ, तो जब कोई आदमी ये कहता है कि मैं आपको भी वही एक्सपीरियंस करा सकता हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक? आई मीन देयर इजंट समथिंग विद हिम, उनके पास कोई कुछ नहीं होता तो आप वो कैसे कहते? भाई दिस इज एनफ प्रूफ दैट ही इज नॉट इनलाइटेड। एक सेंटेंस ये इस बात का सबूत है कि इनलाइटेड नहीं है। क्यों? कभी कोई इनलाइटेड आदमी किसी को करवा नहीं सकता, अगर करवा सकता होता तो बुद्ध अकेले सारी दुनिया को करवा गए होते, महादेव ओशो करवा गए होते, करवा ओशो धारा ओशोधारा ऐसी हमने देखा है कि ओशोधारा में 21 स्थलों का वो कार्यक्रम होता है समाधियों का,
और लोगों को एक एक समाधि कर रहा करके है. All that is business. All that is business. Nothing more. और नए नए लोग जो उसको नहीं दिखे आते हैं, जहां भी 10-20 इकट्ठे होते हैं तो आनंद तो आता ही है. जी जी, जहां 10 आदमी उसको इकट्ठा था आनंद आएगा. जी, उसमें कोई दो राय नहीं. क्रेडिट गोज टू ओशो, नॉट टू देम. ये बिजनेस तो, की बातें हैं. और रेस्ट 25. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अदर स्वामी जी. जैसे और भी सन्यासी हैं जो जो इंडिया भारत में बहुत काम कर रहे हैं, जैसे अशोक भारती स्वामी जी, पूर्णानंद स्वामी जी. व्हाट डू यू सी अबाउट देम? नहीं, लाइटन तो हमें एक भी नहीं हमारे हिसाब से. पूर्णानंद स्वामी जी के संबंध में आप क्या आएंगे, क्या कहेंगे? हमको नहीं लगते लाइटन ना. और हमें ओशो इलाइटन लगते हैं, हमें जे किशोरती इलाइटन लगते हैं. मिला था जे किशोरती को, एक लखनऊ में पूजा जी थे इलाइटन थे, हम मिले थे उनको, समझे कि नहीं. तो गैर लोग इलाइटन दिखते तो अपना आदमी इलाइटन होता तो क्यों मैं उसके गीत गाता. हमें इलाइटन नहीं दिखते, हमें प्रिटेंडर दिखते, प्रिटेंडर. स्वामी जी, ओशो ओशो जब थे, अब तो ओशो नहीं रहे. और ओशो के इतने कुछ लक्षण होते हैं इलाइटन, ऐसा नहीं कि कोई कहते मैं इलाइटन जनवन. जैसे 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 कि एक तो आप उसके पास जाओ तो आपको यही नहीं लगेगा कि आपसे वो बड़ा है. अच्छा, आप छोटे, उससे ये पता ही नहीं चलेगा. आप जैसे पानी ट्यूब में भरिए, पानी बराबर आ जाए दोनों तरफ जी, तो आप उस जगह पहुंच जाते हैं. आपको वो कभी छोटा देखा ही नहीं सकता है लेकिन बात. अच्छा, एक तो यही, और ये सब दूसरे वो छोटे ही देखते हैं. ऊंचे उसी तरह ऊंचाई से बात करते हैं. यस, ये कई लाइन बता, बहुत से लक्षण होते हैं. पर उसके पास बैठो, उसके पास बैठना आनंद है. वो बोले तो न बोले तो उसके चेहरे पे ही वो नूर रहता है. उसको दिखाई पड़ना चाहिए, नहीं देख सकते लोग. अब नए नए आए बेचारे तो भटक रहे, कर रहे चीज कहीं भी. आदमी लालची है जहां भी, मैं कहता हूँ कहीं ना जाए. सिर्फ एक प्रश्न अपने भीतर जगाए कि मैं कौन हूँ, उसी के साथ अपने को कुर्बान करे. इसी के अंदर जहाँ है वही उसको घटना घटेगी, जहाँ है वही घटेगी, बिना किसी गुरु गुरु के आए घटेगी. क्योंकि परमात्मा है, वो है. स्वामी जी, स्वामी जी, इजंट इट पीटी. ये तो बहुत दुख की बात है कि ओशो जगत में आपकी दृष्टि में एक भी बुद्ध पुरुष नहीं है, एक भी इनलाइटेंड आदमी नहीं है. ये तो बहुत दुख की बात है ना. दिखता है जिसको मैं सम्मान करता हूँ. एक बार पूछा था किसी ने जी, कि क्या कोई सन्यासी का ऐसा नाम लीजिए जिसके लिए आपके मन में प्रेम हो. मतलब प्रेम तो हर सन्यासी को मैं करता हूँ, जो ओशो प्रेम करता है मैं उसको नमस्कार करता हूँ. बोले नहीं, जिसके लिए आपके मन में सम्मान जैसा हो. तो हमने कहा हमें जयस दिखता है जिसके लिए मेरे मन में सम्मान है. अच्छा, जिसको कि लोग ये बहुत कौड़ी के लोग हैं जो उसको गलत समझते हैं जयस को. यस, अच्छा. बाकी इलाइटन नहीं, इलाइटन की हवा अलग ही होती है. अच्छा, पता चलता है भाई. हम तो इलाइटन को पहचानने में धोखा मुझे नहीं होता. अच्छा, तो स्वामी जी, अभी आप बहुत से पुस्तक लिख रहे हैं, और आप कोई शिविर भी करते हैं, करवाते हैं स्वामी जी? शिविर तो 4-5 साल हुआ बंद कर दिया हूँ. आज के लोग सिर्फ प्रेजेंट रहने के लिए बुलाते हैं. अच्छा, वो पर्चे में छापते हैं स्पेशल प्रेजेंस. अच्छा, विशेष उपस्थिति स्वामी के. बाकी तो वहाँ कोई प्रश्न पूछता है, 1-2 घंटे बोल देता हूँ, मौजूद रहता हूँ लगातार. बाकी 1-1 घंटे भी रोज बोलता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों इतना असर होता है. जाते हुए तो रो रो के विदा करते हैं बेचारी. स्वामी जी, व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से लाइक, तो वन ग्लोबल गवर्नमेंट का अभियान चलाया है. इसके अंतर्गत कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहा हूँ. अच्छा, दिल्ली में बोला मैं, जबलपुर में 4 कॉलेज में बोला, गुवाहाटी में बोला, अभी बम्बई में बोला, वो रैली भी निकाला. टेल मी समथिंग मोर अबाउट दिस वन गवर्नमेंट दिस प्रोजेक्ट. इस समय जितनी प्रॉब्लम है जी, वी आर हेडिंग फास्ट टुवर्ड्स ग्लोबल सुसाइड. राइट, तेजी से उस तरफ जा रहे हैं. लेकिन जहाज अपना नाव इतना बड़ा है जी कि सामान्य आदमी को दिखाई नहीं पड़ता जी. लेकिन जा रहे हैं टोटल ग्लोबल सुसाइड की तरफ. अच्छा, और हर प्रॉब्लम आज आदमी की जो है एक देश की नहीं, एक व्यक्ति की नहीं, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, परमाणु बमों का ढेर इकट्ठा है जिसकी छाया में हम जी रहे हैं हर क्षण. जमीन का पानी नीचे जा रहा है, समुद्र का पॉटर लेवल ऊपर आ रहा है. जितनी प्रॉब्लम है यूनिवर्सल है,
कोई भी एक मुल्क, कोई भी दुनिया के एक मुल्क कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, कितना भी धनी हो, टैकल नहीं कर सकता। लेकिन सारी दुनिया अगर एक हो जाए तो सारी दुनिया का बजट जो 70% करीब सिर्फ डिफेंस में जाता है बेवकूफी में, काहे के लिए? हम तैयारी करते हैं मारने के लिए आपको, आप तैयारी करते हो हमें मारने के लिए, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो गया थी? अगर सारी दुनिया एक हो जाए तो 70% वाला बजट रिलीज हो जाएगा, हम उसको अच्छे उसमें यूज कर सकते हैं। और जैसे आदमी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर के पास जाता है, 10-15-20 साल की उम्र बढ़ जाती है उसकी, दवा से न दवा हुई ऑपरेशन से, तो जमीन का और मनुष्य का भी उम्र थोड़ा बढ़ाया जा सकता है अगर आदमी ओशो की सुने तो। वो है वन ग्लोबल गवर्नमेंट, एक विश्व सरकार। ओशो ने 76 में या 75 में दरिया का है शब्द निर्वाणा को बोलते हुए कहा था कि भारत पहला देश होना चाहिए जो अपनी भूमि को राष्ट्र की भूमि घोषित कर दे, तो दुनिया के सारे लोग फॉलो करेंगे, ये फिर धर्मगुरु बन जाएगा सबका। और जो भी देश पहले घोषित कर देगा वो आगे हो जाएगा, पीछे सबको जाना पड़ेगा। अगर दुनिया को बचना है तो, नहीं बचना है तो कोई नहीं करेगा, और ग्लोबल सुसाइड पक्का है, होता है, दिखाई पड़ता है। अगर आप आप अपने देश को स्वतंत्र घोषणा कर दो तो ऐसा नहीं होगा कि टेररिस्ट लोग आपके घर घर में घुस जाएंगे? नहीं नहीं, अरे जबानी घोषित तो करिए, आप अपने हथियारों औजारों को भी मत नष्ट करिए, घोषित तो करिए, देखिए दुनिया का रिएक्शन क्या होता है। तमाम देश घोषित कर देंगे, तमाम देश घोषित कर देंगे तो सबसे फिर तय कर लीजिए कि भाई हमसे परमाणु बम विदा कर रहे हैं, विदा कर दे कि, या तो सबको ही मिले, कितने टेररिस्ट वगैरह, क्या टेररिस्ट कौन है, वो भी आदमी है, उनके भीतर भी दिल है, ऐसा नहीं उनको सब असल में यही तो कमी है ना, कि ओशो ने प्रेम को परम धर्म कहा, इससे प्रेम का भाव है जो टेररिस्ट हो गए, प्रेम का भाव है जो परमाणु बम बने हैं। अगर प्रेम होता प्रेमी आदमी कभी चींटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन प्रेम किसी को है नहीं, प्रेम का अभाव है, इसलिए सब जगत इतना हिंसक हो गया है। तो टेररिस्ट आ जाएंगे, टेररिस्ट पैदा कैसे होते हैं? जब इतना बजट रिलीज हो जाएगा 70% दुनिया का, उसमें कुछ टेररिस्ट को दे सुखी बना देंगे, उनको भूखे मर रहे होंगे, तो खत्म हो गई बात, उसमें क्या हुआ? ठीक स्वामी जी, जो हम हमको आप आज इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, उन लोगों को आप ये बता दीजिए कि हमने ओशो को कैसे मिस कर रहे हैं, हम ओशो को कैसे मिस कर रहे हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, और हमें उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए? नहीं, ओशो को जो पढ़ रहे हैं, जो लोग तो समझ तो रहे होंगे तभी पढ़ रहे हैं जी, और कहीं ना कहीं यात्रा आदमी चलती रही, सोच विचार चलता रहता है, जो जिन्होंने कुछ सोचा विचारा तभी ओशो को पढ़ते हैं, तत्काल लगता है वो पकड़ में आ जाते हैं कि हाँ ये तो वाह क्या बात, क्या बात। और ओशो बहुत मेहनत की, 58 साल की उम्र में चमत्कार है, जिन्होंने आंखों से देखा यकीन करना मुश्किल होता है, 58 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ना, 1.5 लाख 650 किताबें बोल जाना, इतने हजारों लोगों पत्र हाथों से अपने लिखना, और कभी उनको जल्दी में नहीं देखा एकदम देखा हुआ हो, यकीन करना मुश्किल है कैसे दुनिया यकीन करेगी। लोगों को चाहिए कि उसको भाई समझे, जो ना क्या नहीं समझ में आता है क्या कहें, जो ना समझ में आता है जिसको सही प्यास होगी सही आदमी के पास पहुंच जाएगा, ना नहीं पहुंचे अपने भीतर ही तलाश करो ना, अपने भीतर तलाशो, अपने से क्वेश्चन पूछो, अपने से क्वेश्चन पूछ, कभी प्रेम किया है, प्रेमिका के लिए रोया है कि नहीं? अगर प्रेमिका के लिए आंसू गिरे हैं तो सुपात्र होते जाते हैं आप, फिर आप नहीं अपने को पहचानेंगे, इस दर्द के लिए भी रोएंगे कि अरे मैं कितना अभागा हूँ कि मैं अपने खुद को ही नहीं जानता, अपने खुद को ही नहीं पहचानता, मैं खुद से ये परिचित हूँ। इतना तड़प, जब तड़प पैदा होगी तो ही जलन जलाएगा, दिल जलाएगा, तो अपने आप सुविधा बनती जाएगी, भीतर से आवाज आएगी, सारे आएंगे। तो वही तो कहा है ना, गुरु जहां शिष्य तैयार हो वही गुरु हाजिर हो जाता है, वही। तो आप इस बात से सहमत है कि नहीं स्वामी जी, कि ओशो ने कहा था कि जब मैं भी तुम्हारे रास्ते में
आ जाऊं तो मुझे भी निकाल देना, मुझे भी छोड़ देना, और पुरुषों ने कोई हजारों कोई पुरुषों ने जीवंत बहुत गुरु को बातें कही है ढूंढ सबके लेना। लिए अलग अलग कही, सबको देखना पड़ेगा कहाँ अपने लिए सब बातें उनकी उसों की जो देखेगा तो पागल हो जाएगा। जी सारी बातें आज जो कह रहे हैं कल उल्टा कहें, किसी ने जी प्रश्न पूछा तो उसको जवाब दे रहे हैं, दूसरा आदमी दूसरा कुछ पूछता है तो ये इसके लिए जवाब दे रहे हैं उसके लिए जवाब दे रहे हैं। अपन को खोजना होगा कि हम क्या है, हमारे लिए क्या है। उसों ने भी बोला है गुरु के निकट भी घटना घटती है, गुरु के सानिध्य में गुरु के प्रेम में भी घटना घटती है, उसकी भी तारीफ किया। इतना भक्ति पे स्वामी जी, व्हाट आई एम कोई ट्राइंग कुर्बानी टू आज से इज दैट ओशो इज नॉट लिविंग इन द बॉडी, फिजिकल बॉडी टुडे। ओशो अब शरीर में, ओशो अब शरीर में नहीं है। तो क्या सोचते हैं आप कि अब हमको कोई दूसरा गुरु ढूंढने की, कोई दूसरी गुरु की पास जाने की जरूरी है कि नहीं? जीवंत गुरु चाहिए कि नहीं एक चाहिए? व्यक्ति का अलग अलग, कोई ऐसे हैं जो खोजेंगे जाएंगे, कोई जी ऐसे हैं जिनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जी अपने ऊपर निर्भर। हम कितना उनको समझ पाए, उसको कितना उनसे जुड़ पाए, किताबें पढ़ के या वीडियो देख के कितना जुड़ पाए, इस पर निर्भर करेगा। आदमी को हमेशा अपने को सोचना चाहिए, अपने अनुसार चलना चाहिए, किसी जी दूसरे के कहने पर नहीं चलना चाहिए। राइट अपना सोचा है, हमें अगर ठीक लगता है कहीं जाना तो जा है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ठीक नहीं ठीक लगता तो अकेले उसको पुकारे, उसको को पुकार के रो सकता है कि नहीं। तो कह रहा ना कभी कोई आदमी ऐसे है, ऐसे लोग भी होंगे जो कभी प्रेमिका के लिए नहीं रोए, प्रेमी के लिए नहीं रोए, तो सदगुरु के लिए क्या रोए। तो राइट ये निर्भर व्हाट डू यू करता है, थिंक ये अबाउट देखता ना योर किसी के लिए एक फार्मूला नहीं हो सकता सबके लिए। ठीक स्वामी जी, अब आपने ओशो को, ओशो के बारे में लिखते लिखते आपकी जिंदगी गुजार दिया, बहुत बहुत लिख लिए ओशो के बारे में। अब क्या लगता है आपको कि आपका जिंदगी कैसा रहा ओशो को, ओशो के संग में रहते रहते, ओशो के बारे में लिखते लिखते? हाउ वॉज योर लाइफ सो फार? हाउ वॉज द लाइफ? अरे बहुत बहुत मैं तो क्या बताऊं, धन्य हूँ, धन्य भाग है हमारे, बहुत ही भाग्यशाली हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। यस, सब कुछ मेरी पात्रता से अधिक होता गया है, सब कुछ। तो मेरी भी कोई मांग नहीं है, जी हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं है, कब से खत्म हो गई मांग, क्या जी मांगेंगे। इतना भर दिया जो मेरी काबिलियत से ज्यादा सब कुछ भर दिया। सो मैं दसवीं पढ़ा, एक गांव से दसवीं पढ़ा आदमी हूँ मैं। तो आपकी, आप क्या कहेंगे स्वामी जी, आपकी साधना की अवस्था किस स्थिति पे पहुंची हुई है? आप पार हो गए या इधर ही है, या यात्रा कर रहे नहीं हैं, आप बुद्ध हो गए? आप क्या कहेंगे आपके बारे में? मैं तो जहां पर जाता हूँ बुद्ध नहीं हुआ हूँ मैं, लेकिन अंग्रेजी लेक्चर में उसने कई बार यूज किया है शब्द ऑलमोस्ट इनलाइटेड, उसने यूज किया है शब्द ऑलमोस्ट इनलाइटेड। तो सडनली आई एम ऑलमोस्ट इनलाइटेड बट आई एम नॉट इनलाइटेड, एज आई नो आई एम नॉट इनलाइटेड ओके बट आई एम ऑलमोस्ट इनलाइटेड, एंड आई ओके कैन रिकॉग्नाइज द इनलाइटेड वंस एंड आई कैन रिकॉग्नाइज द एथिस्ट आल्सो हु आर प्रिटेंडिंग टू बी इनलाइटेड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इतनी दुआ खुली गई है कि देख के पहचान लेता हूँ, एक आदमी पोस्ट कार्ड लिखे समझ जाता है कि आदमी कहाँ है। ठीक स्वामी जी, बहुत से लोग जो हमको देख रहे हैं और बहुत से साधक जो अभी भी यात्रा कर रहे हैं साधना की मार्ग में, सबको मेरा प्रणाम कहिए, उन आप सबको मेरा उनको प्रणाम क्या कहिए। सजेशन करेंगे जो साधना करना चाहते हैं? कैसे साधना करें घर पर? क्या घर पर कर सकते हैं? कैसे यात्रा तय करें? भाई मैं तो बता दिया आपको कि आदमी अपने भीतर जाके अपने क्वेश्चन कराइए और सारा गाइडेंस मिलता है अपने से, सब होता जाता है, अंदर सबकी से उत्तर ही निर्मित होती जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन भीतर पैदा होना चाहिए तभी यात्रा शुरू होती है। भाई आपको नेपाल से चलना है, इंग्लैंड जाना है, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नेपाल। काठमांडू में रहते तो काठमांडू से ही तो रवाना होने पड़ेगा ना, इंग्लैंड की बात करना बेकार है, अभी काठमांडू से हम चल रहे हैं। तो चलना शुरू ही तब होता है जब आपके भीतर आपका प्रश्न पैदा होता है खुद का कि हु एम आई, देन द जर्नी स्टार्ट रियली। सो और वो स्टार्ट होती है तो जब लास्ट तक में वो स्वामी चैन जी, नहीं लेने देती। आप क्या करते हैं इसके बारे में? जैसे आजकल ओशो के मूर्तियां बन रहे हैं,
ओशो की फोटो पे आरतियां हो रही हैं। ओशो को जैसे बुद्ध ने कहा था कि मेरा मूर्ति मत बनाइएगा, तो बुद्ध का सबसे ज्यादा मूर्ति इस संसार में बना हुआ है, अब ओशो का भी मूर्ति बन चुका है, ओशो को भी आरती किया जाता है, क्या कहेंगे आप? अब आरती होती करना तो बचपना है जी, इट इज चाइल्डिश। अगर अगर भीतर से समर्पण घटित हो गया हो जी तो 10 दफे ओशो से मिलता था, 2-3 दफे प्रणाम कर प्रणाम होते ही नहीं, इतना एक हो गए कि क्या प्रणाम, क्या मतलब क्या प्रणाम, पूरा रेशा रेशा समर्पित है तो प्रणाम कहाँ रह जाता है। राइट, लेकिन जहाँ कोई बैठे हो तो चार लोग तो प्रणाम करता ताकि कोई देखने में बुरा ना लगे, लोग अच्छा लगे तो। अच्छा अच्छा, तो बाकी आरती क्या होता है, अगर आप समर्पित हो गए तो अब क्या आरती होता, आरती में तो आप चढ़ चुके हैं, फिर क्या आरती उतारना, बेवकूफी है हमारी समझ। जी, इट्स ऑल अबाउट योर डिवोशन, आपकी आपकी शैली है, आपकी स्वभाव है, आप जो मर्जी हो करें, ठीक है ना स्वामी जी? हाँ, जो मर्जी हो आप अपने को फॉलो करें, अपने खुद सोचते विचार है राइट, और अपने ढंग से चले। और सबसे पहला सवाल यही कि हूँ भाई, तो जितना प्रश्न को गहराए गहराए उतना रास्ता आपको अपने आप खुद पर चला जाए, खुद पर किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे आप, सब स्थितियां अपने आप निर्मित होती जाएंगी। ठीक, ओके स्वामी जी, इट वॉज रियली अमेजिंग टू टॉक टू यू। ओशो जब जीवन में थे, जब पुणे में चलते थे, जबलपुर में जब चलते थे, तो उस समय के बारे में थोड़ी बहुत आपके अनुभव से जानने की बहुत इच्छा थी। तो आई होप यू ऑल्सो हैड फन टॉकिंग एंड ऑल थिंकिंग ऑल दोज ब्रिंगिंग ऑल दोज मेमोरीज बैक इन योर माइंड। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर मैंने कुछ पूछना भूल गया हूं और आपको कुछ लास्ट में कुछ कहना है तो कह दीजिए। नहीं कहना क्या, जबलपुर में अकेला आदमी हूँ जो बिना अपॉइंटमेंट के मिलने का सौभाग्य प्राप्त है जिसे। राइट, उस अमेरिका से हमें बुलाए तो मैं वहां जा सका, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। 4 महीने उनके गेस्ट की तरह रहा अमेरिका में। राइट, वहां से पहला गिफ्ट जो आया था 7 घड़ियों का गिफ्ट आया था, तो वहां एक घड़ी हमारे लिए, सतना को कोई जानता नहीं था, पश्चिमी लोग सतना जाने लगे कहाँ है ड्यू टू दैट। अच्छा, तो बहुत कृपा रही उनकी, मेरे जीवन तो धन्य है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, खुश हूँ। और कहना क्या, उनकी जगह हरी अनंत हरी कथा अनंत जिंदगी भर कहता रहता हूँ, कहते ही रहता हूँ, खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच स्वामी जी, आपके समय, आपकी साधना की बातें, आपके अनुभव की बातें हमसे शेयर किया। आई एम रियली प्रिविलेज्ड, रियली ऑनर्ड टू हैव यू इन आवर शो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई एम वेरी हैप्पी टू, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू शेयर ओ शो विद एनीबॉडी। हमारे साथ साथ इसी के लिए और कोई मेरा काम है ही नहीं जगत में। बिल्कुल, ओके स्वामी जी, आई विश यू हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। जय ओशो, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार भैया, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agarwal.